क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनूप कुमार है। क्या हो गया यहाँ? सर मैं ये ग्राम बरेठ में रहता हूँ और ये मेरा खेत है जिसमें मैंने करीब 5.5 बीघा धान किया हुआ था। बम्बा की धंधी कट जाने की वजह से मेरा सारा खेत चला गया। आप देख सकते हो पूरा ये पौध उखड़ के बाहर आ गई है। सर बहुत नुकसान हो गया है मेरा। लगभग कितने रुपए का नुकसान हुआ है? ये सर मान के चलिए लगभग DAP पोटास यूरिया खाद मैंने बेसल डोज डाली थी, उसके बाद जुताई कराई, उसके बाद पॉट डाली, उसके बाद कड़वाई का पैसा लगा, लगभग 15,000 रुपये मेरा इसमें सर लग गया है। बात 15,000 की नहीं है सर, बात ये है कि मैं दूसरी फसल नहीं कर पाता हूँ अब इसमें। तो मैं अभी पॉट डालूँगा तो लगभग 1 महीना लग जाएगा मुझे। 20 दिन में पौध तैयार होगी। अगस्त के बाद जब सर्दी पड़ने लगती है तो पौध उगड़ नहीं पाती है, बाली निकलती नहीं है। तो ये मेरी तो फसल सर गई है इसमें, तो मेरा नुकसान है मैं इसमें। अब गेहूँ के अलावा कुछ नहीं कर पाऊँगा। अच्छा, आपने तहसील में कोई शिकायत की है? सर मैंने तहसील में गया हूँ, लेखपाल जी से मैंने एक ज्ञापन दिया है, उनको सूचना दी है मैंने, और उन्होंने लेखपाल जी ने मुआयना भी किया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो हर संभव मदद की जाएगी मेरी। देखते हैं सर क्या हो सकता है इसमें। उन्होंने कहा, आश्वासन तो दिया है उन्होंने मुझे। अच्छा, खंदी अपने आप कट गई है क्या? जी सर, यहाँ बगल में मेरी बम्बा है, इधर सामने भी बम्बा है, इधर बम्बिया पतली निकली हुई है, किसी कारण से ओवरफ्लो हो गया। आगे आम का पेड़ टूटा हुआ है, उस वजह से हो सकता है ओवरफ्लो हुआ, मुझे अज्ञात कारणों की वजह से मेरा पूरा खेत भर गया सर। अच्छा, अब कोई आप दूसरी फसल नहीं कर पाएंगे? नहीं सर, क्योंकि 20 से 25 दिन लगते हैं पौध तैयार होने में, और पौध तैयार जब तक होगी तब तक धान का समय ख़त्म हो जाएगा सर। कितने बीघा ज़मीन है ये आपकी? ये मेरी करीब 5.5 बीघा खेत है ये। यहाँ से सामने आप देख सकते हैं सारा जलमग्न हो गया है। आप ये देख सकते हो पूरा मेरी पौध बाहर आ गई है सर, सारी किनारे भी इकट्ठी हो गई, सड़ रही है सारी। ठीक।